नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव की पेशी और अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि आज ईडी की टीम लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ कर रही है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से पूछताछ जारी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ये पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ईडी की टीम पटना पहुंची है और ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं, जहां ईडी की टीम अब उनसे पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला जमीन के बदले जॉब से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आज पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। पहले ही लालू प्रसाद यादव को इसके लिए समन जारी किया गया था और आज उनसे पूछताछ। हालांकि कई सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब आज तलाशने की कोशिश होगी ईडी की टीम की तरफ से। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर लालू प्रसाद यादव जब पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। अब जब लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है, तो उसके बाहर ईडी कार्यालय के सामने आरजेडी के कार्यकर्ता की भी मौजूदगी है, जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो पटना से दिल्ली तक ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और अभी बता दें आपको कि कल ही दिल्ली से ईडी की टीम पटना पहुंच चुकी थी। आज टाइमिंग पहले से दिया गया था और उसी के तहत लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंच भी गए और अब उनसे पूछताछ की जा रही है लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये पूछताछ। और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पटना से दिल्ली तक ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां एक तरफ पटना में ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से पूछताछ हो रही है, तो दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची है ईडी की टीम। ये हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। उनसे भी आज पूछताछ की जानी थी। आपको बता दें लगभग 10 बार समन ईडी की तरफ से भेजा जा चुका है हेमंत सोरेन को। इससे पहले ईडी की टीम उनके आवास पर जाकर उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद दूसरा समन उन्हें जारी किया गया था, लेकिन उसका जवाब हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं दिया गया। और इसी के तहत आज दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और खबर ये मिल रही है कि सीएम आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ संवाददाता अमित पटना से जुड़े हुए हैं और शंकर आनंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं पटना का। अमित, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर में, पूछताछ शुरू हो गई? बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सामने में ईडी का कार्यालय है, वहीं पे जो है फर्स्ट फ्लोर पे उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव के साथ जो है वो मीसा भारती भी पहुंची थी और जब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो ईडी कार्यालय में चले गए, तो मीसा भारती को बाहर जाने के लिए कहा गया और मीसा भारती ने बाहर आई और यहाँ ईडी कार्यालय के सामने में ये जो मंदिर है यहीं पे जो है वो बैठी हुई हैं। आरजेडी के और विधायक और जो नेता कार्यकर्ता है सभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। निकलेंगे, अभी बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अंदर उधर जाएगा, हम लोग थोड़ी बता पाएंगे। क्या जो जिस तरह से पूछताछ हो रही है उस पर क्या कहेंगे सुनील जी? इनसे पूछताछ हो रही है, लालू जी से जो पूछताछ हो रही है, हम वहीं बैठे हुए हैं कि बता दें। नहीं, फिर भी आप लोग लगातार कहते हैं कि परेशान किया जा रहा है। नहीं, आप लोग लगातार कहते हैं परेशान किया जा रहा है। हम वहाँ बैठे रहते हैं, सवाले टाल रहे हैं। आप लोग लगातार कहते हैं कि परेशान किया जा रहा है। आज हेमंत सोरेन से भी देख रहे हैं, 144 का अगर आपको नोटिस आ जाए तो तुरंत जारा में भी पसीना आने लगेगा। आई तो मान लिया कि अनावश्यक, अभी जानते हैं जिस तरह से परेशान करने के लिए लगातार ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले अनवरत बीजेपी कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये कोई बात आप लोग से छुपा हुआ है क्या? यहाँ मंदिर में आप हैं, भगवान के शरण में आप लोग बैठे हैं। मंदिर में है कोई, मैखाना में तो है नहीं? अरे नहीं, मैखाना तो बिहार में बंद है। हाँ। तो भाई साहब मैखाना में है नहीं तो आपको अच्छी बात ना है कि मंदिर के अंदर है। अरे क्या बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ और भी विधायक हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। विजय जी क्या कहेंगे? विजय जी सारा चीज देख रहे हैं आप।
में बोलने की क्या बात है। हाँ। सब जी आप चलिए अमित मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची में सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, ईडी की कार्रवाई के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ बीजेपी ऑफिस की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, रांची में सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी ऑफिस की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इसी के बीच अपडेट आपको ये दे दें कि दिल्ली में अभी ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंची भी है। अमित के पास वापस लौटते हैं। अमित आप बात कर रहे थे विधायकों से, जरा ये भी बताएं कि कौन कौन लोग अभी वहां मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे जैसा हमने पहले बताया है कि मीसा भारती हैं लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी, और वो भी इस मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में उनके खिलाफ भी जो है चार्जशीट दाखिल है, तो वो भी लालू प्रसाद यादव के साथ पहुंची है। हालांकि उनसे पूछताछ नहीं होना है, आज वो सपोर्ट में लालू प्रसाद यादव के साथ पहुंची थी। और यहाँ पे जब लालू प्रसाद यादव जो है वो ईडी कार्यालय चले गए तो लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर रांची से मिल रही है उस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं सबसे पहले ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, अब सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या मायने इसके? जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई जो है वो दिल्ली में भी तेज हो गई है, तो वहीं यहाँ झारखंड में भी अगर कहा जाए तो इसे लेकर गहमागहमी जो है वो बढ़ी हुई है। लगातार इस मामले को लेकर वरीय अधिकारी भी बैठक भी कर रहे हैं और तमाम रणनीतियों पर विचार हो रहा है। वहीं जिस तरह से आज जो ईडी की कार्रवाई जो उसकी दबिश जो है वो बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी दफ्तर बाई लक अगर किसी तरह से वहां पर कोई उपद्रवी तत्व तो पहुंचते हैं या फिर कहें तो कोई आक्रोशित जो भीड़ है अगर बीजेपी दफ्तर भी पहुंचती है तो उसे रोका जा सके, इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्योंकि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई की जा रही है उसमें मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व में ये बातें कही गई थी कि वो मतलब निशाना बना सकते हैं जिस तरह से ईडी की कार्रवाई कर रही है, तो इसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से जो है वो तमाम जगहों पर बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री से पूछताछ को लेकर जो ईडी ने जो 10वीं बार अगर कहा जाए तो सम्मन जारी किया था, जो पत्राचार किया था, इसमें पूरी तरह से कहा गया था कि 29 और 31 तारीख को मुख्यमंत्री को ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होना होगा क्योंकि ये अनिवार्य है। और इसे लेकर ही अब अगर मुख्यमंत्री नहीं आऊंगी इस पर और अपडेट लेंगे, लेकिन हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ शंकर आनंद जुड़े हुए हैं दिल्ली से। शंकर आपके पास क्या अपडेट है अभी? निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो आज जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज हेमंत सोरेन को तलाशा जा रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन को तलाशने के लिए जांच एजेंसी की टीम आज सुबह में तकरीबन 7 बजे के लगभग में दिल्ली स्थित शांति निकेतन के उस आवास पर पहुंची जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर वहां ठहरा करते हैं। हालांकि 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री यहां पे आए थे तो वो अपने व्यक्तिगत कुछ मीटिंग्स को लेकर यहां पे आए थे। हालांकि उस वक्त में अचानक उनका आना हुआ, परसों रात में तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में विशेष विमान से यहां पे पहुंचे थे और कल भी उनकी कुछ मीटिंग्स हुई थी। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा 10 बार उनको सम्मन भेजा गया लेकिन उन सम्मन को नजरअंदाज किया गया, जिस तरह से उन तमाम सम्मन को भेजने के बाद भी वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज ईडी की टीम हेमंत सोरेन को तलाशने के लिए अलग अलग जगहों पे पहुंच रही है। हालांकि एक तरह से देखा जाए जिस तरह से इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के साथ साथ कई लोगों का जो बयान जिस तरह से दर्ज हुआ है, खासतौर पर कई ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं, झारखंड के राजनीतिक गलियारों में काफी जिनका पकड़ है, तो ऐसे आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई थी, तो लिहाजा उसी मामले को ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी और इस मामले में 10 बार सम्मन भेजा गया, अलग अलग तारीखों पर भेजा गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, लिहाजा उनको तलाशा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में हो सकता है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और मुश्किलें बढ़ने की जो वजह होगी कि जिस तरह से पीएमएल के द्वारा भेजे गए उस सम्मन को
नजरअंदाज किया गया, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, तो शायद यही वो वजह है जिसके चलते मुख्यमंत्री को तलाशा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री संवाददाता शिबू सोरेन के आवास से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ क्या कुछ हलचल हो रही है इसकी भी जानकारी एक बार ले लेते हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सीबी सोरेन का आवाज ठीक हमारे पीछे है, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं है, अंदर से बेल लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जब नजर डाली तो यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि अंदर की तस्वीर दिखाएं, आप देख सकते हैं ये सीधे सीबू सोरेन का आवास है, जहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ। यहाँ पे कोई नहीं, शायद यहाँ पे भी भनक लग गई होगी कि ईडी की टीम आने वाली है, लिहाजा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। करीब दो घंटे से यहाँ पे न्यूज 18 की टीम मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे नहीं हुई है और पूरी तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर यहाँ पे गार्ड भी मौजूद नहीं है, लेकिन बेलन लगा है, शायद आगे के गेट से दूसरे गेट से भी कोई गतिविधि वहां से एंट्री या एग्जिट होगा, लेकिन बंगले के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई गतिविधि नहीं है। लेकिन टीम नजर रखे हुए है कि कहां पे ये सदस्य हैं सीबू सोरेन के परिवार के लोग। बताइएगा कि ईडी की टीम अभी कहां पहुंची है, किन किन ठिकानों पर तलाशा जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन को? देखिए, हेमंत सोरेन को तलाश करने के लिए ईडी की टीम लगातार नजर रखे हुए है, उनके बंगले पे जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे वो नहीं है, झारखंड आवास में भी नहीं है, इसके अलावा सीबू सोरेन के आवास पे भी कोई मौजूद नहीं है। लेकिन जब सीएम कल ही बताया जा रहा है कि रांची से यहां दिल्ली आ चुके, लेकिन कहां है इस पे टीम अपना वर्क कर रही है, किस समय कहां पे मिलेंगे इसको लेके वर्क किया जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन वो अभी टीम की नजर से दूर है। देखना ये होगा कितने समय सीएम और टीम का आमना सामना होता है, किस तरीके से होता है, कैसे मुलाकात होती है, फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर मैं आपसे और भी जानकारी लूंगी, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं पटना का, जहां से संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वहां ईडी पूछताछ कर रही है लालू प्रसाद यादव से। जैसा कि खबर ये मिल रही है अमित अभी कि वहां पर कई सारे आरजेडी के कार्यकर्ता नेता भी पहुंचे हुए हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उन लोगों का? देखिए, अभी जो आरजेडी के तमाम विधायक है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और कार्यकर्ता भी जो है वो शांत हुए हैं। लगातार जो है वो आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो अनुरोध कर रहे थे कार्यकर्ताओं से कि आप संयमित रहें और पूरा सहयोग जो है वो किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके द्वारा जो है सहयोग करने की बात कही गई है, तो उपद्रव नहीं फैलाना है, तो इसको लेकर के यहाँ पे जो है सहमित है सारे कार्यकर्ता। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मीसा भारती हैं वो खुद मोर्चा संभाली हुई हैं, जो कार्यकर्ता हैं उन्हें शांत कराने से लेकर के अब ये एक जानकारी, बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि मीसा भारती जो है वो ईडी कार्यालय के अंदर गई हैं, हालांकि जहां पूछताछ हो रही है वहां वो नहीं गई, लेकिन दूसरे कमरे में उन्हें बैठाया गया है मीसा भारती को, चूंकि वो लालू प्रसाद यादव के साथ आए हैं और उनसे जो है पूछताछ लालू प्रसाद यादव से किया जा रहा है। मीसा भारती जो है बिल्कुल अमित, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे वापस भी मैं अपडेट लूंगी। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी कार्रवाई चल रही है सीएम हेमंत सोरेन को लेकर, उस पर भी बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाता का मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच अब बढ़ लेते हैं अगली खबर की तरफ, और अभी इस पूरी बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। एक एक अपडेट सबसे पहले आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखाते रहेंगे, यहाँ पर रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।